पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, भव्य स्वागत की तैयारी यहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर। भव्य स्वागत, अमृत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आज का भव्य कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी का इंतजार था, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे तस्वीरें निकलकर सामने आने लगेंगी, सीधे न्यूज 18 आप तक तस्वीरें पहुंचाएगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन से जुड़ी हुई भी, साथ ही साथ जो अयोध्या धाम जंक्शन है वहां पर भी तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनकी तस्वीरें सीधे न्यूज 18 आप तक पहुंचाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी, अयोध्या की धरा पर आज तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करना है। कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। इंतजार उसी क्षण का था जब प्रधानमंत्री पहुंचे। धीरे धीरे कर तस्वीरें आना शुरू होंगी, हलचल यहां बढ़ती हुई। सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रोड शो के जरिए, भव्यता के साथ उस रोड शो को आप देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूरी जनता आज उत्साहित, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी और उस परियोजना को लेकर भी जो देश में सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दी जानी है। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले ये समझाने का प्रयास कि अगर यहाँ कार्यक्रम रख रहे हैं तो कनेक्टिविटी की सुविधा भी देंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से आज इन परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। देश की जनता को एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण अयोध्या से सीधी कनेक्टिविटी हो, और इसी प्रयास में भारत सरकार लगातार काम करती हुई। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, इंतजार तस्वीर का है। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग देशों की संस्कृति आज झलक के तौर पर नजर आएगी। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन और साथ ही साथ जो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन के नाम का, वो भी आज लोकार्पित करेंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ रिसीव करते हुए प्रधानमंत्री को, डिप्टी सीएम्स की मौजूदगी, तमाम बड़े चेहरे एक साथ आज श्रृंखला में आपको नजर आने वाले हैं। तैयारियों का जायजा भी प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जाएगा कि जो भी मेहमान 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए, बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। इसका प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा क्योंकि देश पे एक नई उत्साह की लहर, नए साल की सौगात, राम मंदिर की पीढ़ियों ने इंतजार किया, और इस इंतजार को खत्म करने का काम पूरी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 22 जनवरी को। लेकिन उससे पहले आज का ये कार्यक्रम बहुत खास हो जाता है। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, इंतजार तस्वीरों का। जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी सीधे न्यूज 18 आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएगा। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। अयोध्या में भी सुबह से ही तैयारियां चल रही थी, और ना सिर्फ सुबह से बल्कि बीते एक हफ्ते से हलचल आपने इस पूरी नगरी में देखी है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी थी उन तमाम मेहमानों के लिए जो 22 जनवरी को कार्यक्रम का हिस्सा रहे, और आज को लेकर भी खास प्रबंध इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी को लेकर जो बाधाएं पैदा हो रही हैं उसे पूरी तरह से आज समाप्त कर दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि सीधी कनेक्टिविटी अयोध्या और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ये ट्रेनें रखेंगी। अगर फ्लाइट से जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार, उद्घाटन आज पीएम के हाथों होना है। बेहद ही भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। सहयोगी नमीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमीश, शायद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, वहां पर क्या हो रहा है? जी देखिए, प्रधानमंत्री अब अयोध्या पहुंच चुके हैं, यहां पर उनका स्वागत सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। मुख्यमंत्री अपने तय शेड्यूल के अनुसार अयोध्या पहुंचे और जल्द ही एयरपोर्ट से सीधे वो रोड शो के लिए अयोध्या रवाना होंगे। अयोध्या धाम में अयोध्या धाम जंक्शन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। यहां पर दो ट्रेनें अमृत भारत और वंदे भारत, दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, और उसके बाद फिर यहां से अयोध्या वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि